आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात उस मुंबई की, जहां पर ना सिर्फ उद्धव ठाकरे कुछ दिन पहले तक ये समझ पा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री होंगे, ना बीजेपी समझ पा रही थी कि ऐसा होगा, ना शरद पवार समझ पा रहे थे और ना ही कांग्रेस। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं और कुछ भी अस्थिर नहीं। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं शिवाजी पार्क की, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के अंदर कुछ ही देर में उद्धव कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी इसके बाद, और ये बैठक रात 8 बजे रखी जाएगी। लेकिन यहां पर तस्वीरें देख लीजिए, अविनाश कांग्रेस के बड़े नेता, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी पहुंच चुके हैं, राज ठाकरे आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बुलाया तो बहुत से नेताओं को, लेकिन कुछ नेता पहुंचे और कुछ ने आने से इनकार कर दिया है। इस दौरान बताया जा रहा है कि बैठक में किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए एनसीपी नेता अजीत पवार पहुंच चुके हैं। इसके अलावा संजय राउत, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और सुप्रिया सुले भी समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं। वहीं सोनिया के बाद राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण में शामिल होने में असमर्थता जताई है, यानी कि दोनों ही नहीं आने वाले हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे को बधाई दी है और कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने से पहले की गतिविधियों से साफ है कि लोकतंत्र खतरे में है। मैं खुश हूं कि गठबंधन एकजुट है, बीजेपी को हराने के लिए जनता को हमसे बड़ी उम्मीद है। राहुल ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक स्थिर, सेकुलर और गरीबों के हित वाली सरकार देंगे। तो ये तस्वीर भी बहुत कुछ बयां करी है सुप्रिया सुले राज ठाकरे से बात यहां पर करते हुए। दरअसल जिस दौर में बाला साहेब ठाकरे हुआ करते थे, उस दौरान माना जाता था कि बाला साहब ठाकरे के बाद जो सही उत्तराधिकारी वो दरअसल राज ठाकरे। लेकिन 2013 में उनकी देहांत के बाद उद्धव ठाकरे को इस जिम्मेदारी दी गई, और उससे पहले भी उनको कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी। बहरहाल 2013 से जो सफर शुरू हुआ, शायद उस दौर में भी उद्धव ठाकरे ने नहीं सोचा था कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। अहमद पटेल कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। ये एक बड़ा और आलीशान समारोह शिवाजी पार्क के अंदर रखा गया, जिसकी सुरक्षा 2000 जवान कर रहे हैं। 70,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा एलईडी इसलिए लगाई गई कि जिसको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, वो एलईडी के जरिए शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बन जाए। और ये दरअसल करियर पर नजर डालिए, बीएमसी चुनाव के दौरान पार्टी के प्रबंधन की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे ने संभाली थी। 2002 में बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने शानदार जीत दर्ज की। शिवसेना की जीत के बाद उद्धव पर पार्टी ने दबाव बनाया, शिवसेना की बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए दबाव बनाया गया, और यह साल था 2002 का। 2003 में उद्धव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 2004 में बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव को बड़ी जिम्मेदारी दी। इस दौरान परिवार में थोड़ी फूट भी दिखाई दी थी। बाला साहेब ने उद्धव के नाम की घोषणा पार्टी अध्यक्ष के रूप में की। बाला साहेब के निधन के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बने। साल था 2013। उद्धव ठाकरे 2013 से शिवसेना को संभाल रहे हैं, और ये दरअसल जिस एजेंडे के साथ ये गठबंधन बना है, न्यूनतम यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो क्या है और उसके मंत्र क्या है जिसके ऊपर ये सरकार चलने वाली है। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने पर सहमति बनी है तीनों के बीच में। पीड़ित किसानों की फौरन कर्ज माफी की जाएगी, इस पर भी सहमति बनी है। 1 रुपये में नागरिकों को इलाज की सुविधा मिलेगी, इस पर सहमति बनी है। सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लाई जाएगी तत्काल मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद। गरीबों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा और वो शिक्षा के लिए दिया जाएगा। गरीब बच्चियों को मुफ्त शिक्षा सुविधा दी जाएगी, ये भी एजेंडे में शामिल है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को 500 वर्ग फीट जमीन दी जाएगी ताकि वो अपना मकान बना सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास योजना भी इंट्रोड्यूस की जाएगी। सरकारी विभागों के सभी खाली पद को भरा जाएगा, ये अपने आप में बेरोजगारों के लिए एक बड़ी घोषणा है। और ये वो न्यूनतम साझा प्रोग्राम जिसके तहत शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों एक साथ आए और इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं। जब कोई गठबंधन होता है और गठबंधन के साथ सरकार बनती है, तो क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आकर एक स्थायी सरकार देने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो अलग अलग विचारधारा आइडियोलॉजी से जुड़े हुई पार्टियां हैं, जब वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आती है
तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तैयार होता है और वो ही हम आपको बता रहे थे। अजीत पवार आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इनको लेकर भी सियासत महाराष्ट्र की अलग तरीके से चलती हुई नजर आई। माना कि जिस बॉल पर बीजेपी मान रही थी कि उसने छक्का लगाया, दरअसल उस पर अजीत पवार ने हिट विकेट कर दिया, क्योंकि अजीत पवार न सिर्फ बीजेपी में शामिल हुए, देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। 80 घंटे के अंदर अजीत पवार का यू टर्न और चाचा भतीजे बीजेपी को बैकफुट पर धकेलते हुए फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए उद्धव ठाकरे को कप्तान चुन लिया गया। और ये जीत दरअसल तीन अलग अलग पार्टियों की बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि तीनों अलग अलग विचारधारा के, एक तरफ एनसीपी शरद पवार जो किसी दौर में कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन कांग्रेस से निकले एनसीपी बनाई, और ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, राज ठाकरे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वीआईपी मोमेंट आज बहुत ज्यादा, पहले माना जा रहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों में से कोई एक ही समारोह का हिस्सा हो सकता है, लेकिन दोनों ने ही आने में असमर्थता जताई। उसके अलावा कांग्रेस के बड़े लीडर यहां पर मौजूद, फिर बात चाहे कपिल सिब्बल की हो, अभिषेक मनु सिंघवी की हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की हो, अविनाश पांडे की हो, या इसके अलावा अन्य नेता। दरअसल एक महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने में भी निभाई है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा था शुरुआत में कि वो बिना किसी शर्त के शिवसेना को समर्थन देने को तैयार और वो समर्थन बाहर से देगी, शुरुआत में ये भी कहा गया कि सरकार में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता गया तीनों के बीच में एक कॉमन प्रोग्राम बना, और उसके तहत अब जरा इस तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे और ये ठाकरे परिवार में पहली मर्तबा हो रहा है कि सीधा सत्ता के अंदर भागीदारी परिवार से कोई अपने कंधों पर उठाने के लिए सामने आए हैं। इस दौरान एक भावुक भाषण भी उद्धव ठाकरे का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बाला साहेब ठाकरे से ये कहा था कि एक दिन वो आएगा जब शिवसेना का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभालेगा, और वो दिन आ गया है। इसके लिए उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसा और कहा कि उन्होंने बीजेपी को भी ये विकल्प दिया था, लेकिन बीजेपी ने जब इस विकल्प को स्वीकार नहीं किया तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, और यही वजह कि शरद पवार जिनके धुर विरोधी शिवसेना को इस दौर में माना जाता था, और खुद उद्धव ठाकरे कई भाषणों के अंदर, कई इंटरव्यू के अंदर ये कह चुके थे कि उन्हें कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में शरद पवार और एनसीपी की जरूरत सत्ता में बैठने के लिए नहीं पड़ेगी। वो सारे बयान इतिहास हो गए। वर्तमान ये कि शरद पवार और एनसीपी के दम पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ही मिनटों के अंदर ये सब कुछ होने वाला है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शिवाजी पार्क मुंबई से सीधी तस्वीर है, अजीत पवार आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, कपिल सिब्बल स्टालिन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, अहमद पटेल राज ठाकरे से बात करते हुए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ नेता ऐसे जिनको निमंत्रण भेजा गया लेकिन वो आ नहीं पाए, उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, ये दरअसल वो नाम जिनकी तरफ निमंत्रण तो भेजा गया लेकिन निमंत्रण को स्वीकार करते हुए असमर्थता जताई गई और वो यहाँ पर नहीं आए। उसके पीछे की अपनी एक अलग राजनीति हो सकती है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आते तो फिर एक बार से वही सब होता कि बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी एक जाजम पर एक साथ एकजुट हो रहे हैं। शायद दिल्ली में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और वहां की राजनीति को भांपते हुए इस तरीके का फैसला लिया गया होगा। लेकिन वीआईपी मूवमेंट लगातार और वीआईपीज का पहुंचना लगातार जारी है, और दिग्गज जो है वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अभी तक उनकी जो पहचान थी वो दरअसल बाला साहेब ठाकरे की विरासत के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर संगठन की जिम्मेदारी संभालने के प्रमुख के तौर पर थी, लेकिन अब इस पहचान में एक और पहचान जुड़ने वाली है, और वो पहचान होगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर। सियासत में शाम दाम दंड भेद,
इसका सबसे बेहतर उदाहरण महाराष्ट्र, जहां अपने पराए और पराए अपने किस तरीके से होते हैं और विचारधारा के साथ जो सहयोग बीजेपी के साथ किया गया था, उस सहयोग को छोड़ते हुए जिनसे कभी सहयोग ना लेने की बात की गई उनसे सहयोग लेते हुए विचारधारा को एक तरीके से साइडलाइन करते हुए, हिंदुत्व की छवि को छोड़ते हुए सेकुलरिज्म की छवि के साथ आगे बढ़ते हुए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ महाराष्ट्र में कुछ ही मिनटों के अंदर लेने वाले हैं। और ये तस्वीर हम आपको मंच की दिखा रहे हैं जिस पर लगभग 100 से ज्यादा कुर्सियां सजी हैं। एक भव्य आयोजन, और यकीनन ये भव्य आयोजन इसलिए भी बनता है क्योंकि लगभग 50 साल से ज्यादा शिवसेना का सफर, और उस सफर के अंदर एक जो शानदार स्वर्णिम दौर वो 1991 के बाद का, और अब 2019 में एक अलग अध्याय महाराष्ट्र में शिवसेना लिखती हुई। तीनों पार्टियों के बीच में जो समझौता हुआ उस समझौते के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे, यानी कि शिवसेना से होगा, लोकसभा स्पीकर कांग्रेस से होगा, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि वो सदन के अंदर अपने कंट्रोल को बरकरार रखे, और इसलिए लोकसभा स्पीकर कांग्रेस की तरफ से होगा, उप मुख्यमंत्री एनसीपी की तरफ से होगा, लेकिन वो अजीत पवार नहीं होंगे। और मंच पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंच चुके हैं, शपथ उन्हीं को दिलानी है, वही मुख्यमंत्री की शपथ उद्धव ठाकरे को दिलाएंगे, और वो मंच पर पहुंच चुके हैं, तो माना जा सकता है कि कुछ ही मिनटों के अंदर उद्धव ठाकरे भी मंच पर पहुंच जाएंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिवाजी पार्क शनिवार वाड़ा की तर्ज पर आज इस पंडाल को सजाया गया है, क्योंकि मराठाओं के इतिहास में शनिवार वाड़ा अपने आप में एक महत्वपूर्ण, और उसी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि को इस समारोह में दर्शाया गया। शनिवार वाड़ा की तर्ज पर इस पंडाल को बनाया गया है, सजाया गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शिवाजी पार्क पहुंच चुके हैं, दरअसल उनको लेकर भी कई तरीके के सवाल कांग्रेस एनसीपी ने खड़े किए। सवाल इस बात को लेकर कि सुबह 5:30 बजे के करीब राष्ट्रपति शासन किसके कहने पर हटाया गया, प्रधानमंत्री ने कब कैबिनेट बैठक ली, कब कैबिनेट बैठक के अंदर यह फैसला लिया गया कि राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र से हटाना है, फिर उसको राष्ट्रपति को भेजा गया, राष्ट्रपति से मंजूरी, राज्यपाल के पास पहुंचना, इन तमाम घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने सवाल खड़े किए। लेकिन कौन कौन पहुंच चुका है ये हम आपको बता रहे हैं। कमलनाथ पहुंच चुके, सुप्रिया सुले, अविनाश पांडे, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुशील कुमार शिंदे वहां पहुंच चुके हैं, कपिल सिब्बल पहुंच चुके हैं, प्रफुल्ल पटेल पहुंच चुके हैं, एम के स्टालिन वहां पर पहुंच चुके हैं, अहमद पटेल, राज ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार, ये तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से दिग्गज अभी तक पहुंच चुके हैं, और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसका इंतजार हर किसी को था। उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं, और जरा देखिए मराठी अंदाज में किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। एक भव्य समारोह का आयोजन इस वक्त शिवाजी पार्क में चल रहा है, और ये जोश दरअसल शिवसेना का, उन कार्यकर्ताओं का जिनको शायद चुनाव के दौरान परिणाम के बाद भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी सेना का सेनापति महाराष्ट्र का सेनापति बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, और ये जो कभी नहीं सोचा गया वो आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्मपत्नी के साथ उद्धव ठाकरे मंच पर मौजूद, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिवाजी पार्क से। जब राज्यपाल से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे थे, बहुमत के लिए मुख्यमंत्री का निमंत्रण जब मिला उस दौरान भी उनकी धर्मपत्नी उनके साथ मौजूद थी, और ये उनके पुत्र आदित्य ठाकरे। ये चुनाव दरअसल 2019 का चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति और ठाकरे परिवार के लिए एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे की दो वजह। पहली वजह, जब आदित्य ठाकरे ने चुनाव लड़ने की बात
कही और उनको चुनावी मैदान में उतारा गया तो वो पहले शख्स बने जो सीधे सत्ता में आते हुए ठाकरे परिवार से होते हुए चुनाव लड़ रहे थे। अच्छी बात यह कि उन्होंने जीत दर्ज की और दूसरा इतिहास आज लिखा जा रहा है क्योंकि आज ठाकरे परिवार से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने वाले हैं और देवेंद्र फडणवीस वो भी यहां पर मौजूद, समारोह में मौजूद। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शरद पवार जिनको इस पूरे घटनाक्रम में मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगर कोई चाणक्य है तो वो शरद पवार। वैसे भी वो तीन बार महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और ये देवेंद्र फडणवीस, मुकेश अंबानी के पुत्र इस समारोह का हिस्सा है। रविशंकर प्रसाद भी यहां पर पहुंचे हैं, तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद, देवेंद्र फडणवीस खुद मौजूद हैं और ये शपथ के लिए उद्धव ठाकरे जाते हुए और ये जिसके लिए जाना जाता है शिवाजी पार्क, शिवाजी की मूर्ति, चरणों का स्पर्श, आशीर्वाद और अब शपथ जिसका इंतजार महाराष्ट्र की जनता को, शिव सैनिकों को और तीनों उन पार्टियों को जो एकजुट होकर स्थायी सरकार देने की बात महाराष्ट्र में कर रही है। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक अशुद्ध रीतीने पार पाडली आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला न्याय होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है मराठी में। जिस तरीके से हर किसी को पता था कि वो मराठी में ही शपथ लेंगे, मराठी में उन्होंने शपथ ली और अब वो हस्ताक्षर जिसके बाद आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री उनको घोषित कर दिया जाएगा। आदित्य ठाकरे 2019 का साल और 18वें मुख्यमंत्री वो बने। उद्धव ठाकरे ने 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है महाराष्ट्र के अंदर। और नीचे हम आपको बता रहे हैं दरअसल कौन कौन से मेहमान वहां पर पहुंचे हैं और ये अपने आप इतिहास रचते हुए उद्धव ठाकरे। और ये चेहरा बहुत कुछ कहता है राज ठाकरे, क्योंकि जब बाला साहेब ठाकरे जिम्मेदारी शिवसेना की संभाल रहे थे तो उत्तराधिकारी के तौर पर हमेशा से राज ठाकरे को देखा गया, लेकिन फिर धीरे धीरे राज ठाकरे साइडलाइन होते चले गए और उद्धव ठाकरे उत्तराधिकारी के तौर पर उभरते चले गए। 2003 का वो दौर जब उनको ये जिम्मेदारी देनी शुरू की गई, 2013 में जैसे ही बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ पूर्ण रूप से पूर्णकालिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई और महज 6 साल के अंदर वो करिश्मा हुआ जो बीते 60 सालों के अंदर शिवसेना में नहीं हुआ, क्योंकि शिवसेना से कभी मुख्यमंत्री तो दूर विधायक का चुनाव किसी ने नहीं लड़ा, क्योंकि वो मानते थे कि सत्ता में सीधी भागीदारी नहीं बल्कि सत्ता चलाने की जो चाबी है, जो घोड़े की जो कमान है वो शिवसेना के पास होनी चाहिए। लेकिन अब घोड़ा और कमान दोनों उद्धव ठाकरे के हाथ में, शपथ उन्होंने ले लिया और वो महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बन गए। तो ठाकरे राज की शुरुआत महाराष्ट्र में आज से हो गई है। ये सपना कभी अगर देखा होगा तो राज ठाकरे ने देखा होगा, लेकिन राज ठाकरे धीरे धीरे साइडलाइन हो गए, उद्धव ठाकरे फ्रंट फुट पर आए। और ये वो तस्वीर हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि शिवाजी पार्क, शिवाजी की मूर्ति,
चरणों का स्पर्श और उसके बाद शपथ, मराठी में शपथ। राज ठाकरे, अहमद पटेल, शरद पवार, राजीव शुक्ला, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी दोनों का पुत्र केसी वेणुगोपाल, कमलनाथ, सुप्रिया सुले, अविनाश पांडे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम मेहमान दिग्गज नेता जो समारोह में पहुंचे, सुशील कुमार शिंदे, कपिल सिब्बल, प्रफुल्ल पटेल, एम के स्टालिन। तो इतिहास महाराष्ट्र में बनता हुआ, और यह तस्वीर देवेंद्र फडणवीस, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी एक साथ बैठे हुए हैं। और अब मंत्रिमंडल की शपथ शुरुआत हो चुकी है। एकनाथ शिंदे शपथ ले रहे हैं, लगातार चौथी बार वो विधायक बने हैं। फडणवीस सरकार के अंदर भी बाकायदा एकनाथ शिंदे मंत्री रहे हैं। शिवसेना के रणनीतिकारों में उनकी गिनती होती है। समझौते कराने में अहम भूमिका एकनाथ शिंदे ने निभाई है। ठाणे महानगर पालिका से दो बार नगर सेवक भी एकनाथ शिंदे रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले वो शिवसेना विधायक दल के नेता भी दरअसल एकनाथ शिंदे रहे हैं और चौथी बार विधायक बने और अब शपथ लेते हैं। व निष्प्रोहपणे तसेच कोणाचाही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी श्री एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे करून एरवी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो शपथ यहां पर लिए एकनाथ शिंदे ने। शिवसेना में रणनीतिकार के तौर पर उनकी पहचान है, चार बार वो विधायक रह चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि जरा उनकी पृष्ठभूमि को समझेंगे तो फिर समझ में आएगा कि साधारण व्यक्ति किस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचे, क्योंकि एकनाथ शिंदे राजनीति में आने से पहले ऑटो चलाया करते थे और वहां से किस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ते हुए वो शीर्ष तक पहुंच रहे हैं, यह अपने आप में नजीर है। और जिस तरीके से माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने इस समझौते में अहम भूमिका निभाते हुए प्रमुख रणनीतिकार शिवसेना की तरफ से रहे हैं और यही वजह है कि उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। एकनाथ शिंदे, पहले उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, फिर शिवसेना से एकनाथ शिंदे ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मंच की। ये मंच अपने आप में महाराष्ट्र के अंदर इतिहास रचता हुआ, देश में इतिहास रचता हुआ, क्योंकि जरा इस कैलकुलेशन को समझिए। कोई ये नहीं सोच रहा था कि जब शिवसेना और बीजेपी ने संयुक्त गठबंधन में विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया था, जरा सोचिए किसको ये लगा होगा कि ये गठबंधन टूटेगा और गठबंधन टूटते हुए वो पार्टी अलग होगी जिसके पास 105 विधायक है और महज 56 विधायक वाली शिवसेना मास्टर शो खेलते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बना ले। तो सरकार राज महाराष्ट्र में आज से शुरू हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही कि जो तीन धड़े जिनकी विचारधारा आपस में नहीं मिलती वो क्या वाकई में एक स्थायी सरकार दे पाएंगे भविष्य में, इस सवाल का जवाब है इस बुलेटिन में।